ऐसा है, मैंने बाई इलेक्शन सुजानपुर से लड़ा। 3.5 साल मैं सुजानपुर में विधायक रहा और 3.5 साल में मैंने बतौर अपोजिशन विधायक जितना मैं काम कर सकता था किया। और ये मेरी परफॉर्मेंस जो है वो सेंट्रल हाई कमांड के पास भी है, लेकिन अचानक अभी 2-3 दिन पहले मुझे सेंट्रल हाई कमांड से बुलावा आया और उन्होंने कहा कि आप इस बार हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाई कमांड का फैसला है, हाई कमांड जो फैसला करेंगे मान्य होगा। हमीरपुर हमारा पुराना क्षेत्र है और यहाँ हर गांव हर घर से हमारा पुराना नाता है, हमारी जान पहचान है, समय कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है पूरी तौर पे बना हुआ है। हम 20-25 दिन में हर बूथ को हर ग्राम केंद्र को हम टच कर लेंगे और हमारी कमेटियाँ जो हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। 21 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है। हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रो बीजेपी है, बीजेपी का गढ़ है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो अभी तक उनका कोई नवा नाम पता ही नहीं है और ये पिछले 5 साल से माननीय धूमल जी के पास ही कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, उन्होंने इसको बढ़िया ढंग से नर्स किया है। इसलिए यहाँ भी लड़ने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई एतराज है और मैं बड़ी आसानी से हमीरपुर से भी भारतीय जनता पार्टी की सीट को मैं झोली में डाल दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सभी को पता है कि हमारी जो बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं, बिजली पानी सड़क मेडिकल सुविधा एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हमीरपुर वैसे पहले भी एजुकेशन का हब रहा है, लेकिन प्रेजेंट हालात में मैं समझता हूँ कि हमारी जो मेडिकल सुविधा है हमीरपुर में जो चाहिए, जिस ढंग से हमारा यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से हमारी जो है मेडिकल सुविधा हमें नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि बेसिक मेरा जो स्ट्रेस रहेगा, एक तो जो मेडिकल कॉलेज जो हमीरपुर को मिला है वो प्रॉपर चले, उसका जल्दी से जल्दी सरकार बनने के बाद वहाँ पे क्लासेस शुरू हों, और जो इस एट प्रेजेंट हमीरपुर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर प्रॉपर पर्याप्त संख्या में वहाँ पे एक्सपर्ट आए और हर चीज़ का जो इलाज जो है वो हमीरपुर में होना चाहिए। यहाँ ये रेफरेबल हॉस्पिटल ना बनकर यहाँ पर रेगुलर ऑपरेशन लोगों के हों और ज़्यादा रेफर ना किए हो, यही इलाज जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बाकी हमीरपुर एजुकेशन का हब है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारा हमीरपुर जिला जिसको स्वर्गीय ठाकुर जगदीश जी ने नर्स किया था वो स्पीड आगे जैसे धूमल जी ने शुरू की थी उससे आगे बढ़ते बढ़ते ये चरम सीमा तक पहुँचे। बस स्टैंड की वहाँ पर समस्या है, हमीरपुर ओवर क्राउडेड हो चुका है, बस स्टैंड छोटा पड़ गया है। पीछे ट्रांसपोर्ट मंत्री की स्टेटमेंट आई थी कि हमीरपुर में बस स्टैंड अभी तक नहीं बनेगा, पैसे का प्रावधान नहीं है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमीरपुर में जहाँ बस स्टैंड की ज़मीन सिलेक्ट की है वो भी बननी चाहिए, बिजली पानी की सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए, बेसिक हमारी यही है, इनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने कांग्रेस से भी इलेक्शन, मेरे वहाँ भी पर्सनल टच है लोगों से, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ बीजेपी के बहुत ज़्यादा वोट हैं, वो हमें मिलेंगे और ये डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ से हमारा पर्सनल कनेक्ट, कुछ ऐसे हमारे दोस्त भी हैं जिनका वो बेसिकली कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन उनके भी वोट हमें पर्याप्त संख्या में पड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।